हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर वेल। आप सभी ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर सिक्स सेमेस्टर बेसिक सेमेस्टर। सो इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने पब्लिक फाइनेंस, इसका मीनिंग, स्कोप एंड ऑल टॉपिक, मतलब पब्लिक फाइनेंस को हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसके जाके देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए अगर आपकी इकोनॉमिक्स है तो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम मीनिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, कैनन्स एंड इफेक्ट्स, कैनन्स या प्रिंसिपल्स जिनको हम बोलते हैं, एंड इफेक्ट्स करेंगे, कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम पब्लिक रेवेन्यू करेंगे, मीनिंग एंड सोर्सेज करेंगे, टैक्सेशन मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड कैनन्स। ओके, सो ये जो हम टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। सो और भी जेके एसएसबी से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं, बहुत सी हुई भी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो देखिए, जाके माय प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है? जैसे हमने पहले पब्लिक फाइनेंस पढ़ा था, अब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। सो जितने भी एक्सपेंडिचर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं सिटीजन्स की कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और अपने कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जितने भी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हमने बात की, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एंड कंजप्शन होता है, वैसे ही सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक स्टेट की, उनका जो एंड होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। अब इसका एम क्या होता है कि सोसाइटी का मैक्सिमम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना, ठीक है? अब एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कंट्री की, उसका बैकबोन पब्लिक एक्सपेंडिचर को माना जाता है, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का। और ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ हैं, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रोल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक्स टैंक, सर हेनरी पैनल, इन्होंने कहा, एवरी पार्टिकल ऑफ एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड बियॉन्ड व्हाट नेसेसिटी एब्सोल्युटली रिक्वायर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन अटैक इज वेस्ट एंड एन अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव इम्पोजिशन ऑन द पब्लिक, ये ठीक है? अगर आपको लिखनी होगी आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखनी है तो कोई कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है लिखना। सो उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, ठीक है? जो क्लासिफिकेशन है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसमें हमारे जो स्टेट फंक्शंस है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है? ताकि हम जो उनकी जस्टिफिकेशन है, साइंटिफिक और इकोनॉमिक बेसिस हैं, नेचर इफेक्ट्स हैं, उनका हमें पता चल सके। अब सेप्रेजल, ये भी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है, एक क्लासिफिकेशन इज अ डिटेल सिस्टमेटिकली अरेंज लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस के एक पर्टिकुलर फेज से रिलेटेड जितने भी एक सिस्टमेटिकली डिटेल और अरेंज की हुई लिस्ट होती है सभी आइटम्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाती है और अनरिलेटेड फैक्ट्स को हम ईजिली रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सी एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी है, ठीक है, टाइम टू टाइम, बट एक लिटिल एग्रीमेंट रहता है कि किस एस्पेक्ट में हम पब्लिक फाइनेंस के रिगार्ड में, ठीक है, इसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है। तो मेन मतलब कुछ बेसिस पे, जैसे क्लासिफिकेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है, नेसेसरी यूज फॉर सुपरफ्लस, बेसिस पे भी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी हुई। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ठीक है? एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट होती है वो मतलब इनकर करती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि सोसाइटी को बेनिफिट करना, ठीक है? तो हम बेनिफिट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक। फोर क्लासेस में इसको ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन्होंने क्लासिफाई किया। फर्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करे, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या गया,
बेनिफिटिंग द एंटायर सोसाइटी। वो जब हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो जब पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, जैसे हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि एक स्पेशल या कुछ सर्टेन पीपल्स को बेनिफिट देता है और साथ ही साथ जो एंटायर कम्युनिटी को एक बेटर एक कॉमन बेनिफिट भी देता है। थर्ड हमारा आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को बेनिफिट करता है बट इनडायरेक्टली वो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करता है। एंड लास्ट वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि एक कुछ इंडिविजुअल्स को स्पेशल बेनिफिट देता है, जैसे कोई सब्सिडी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दी गई है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उस इंडस्ट्री को ही होगा। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो एक स्पेशल बेनिफिट दे किसी मतलब कुछ इंडिविजुअल्स को, जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्सिडी जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दी जाती है। सेकेंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का होता है इनकम, ठीक है। सो जो प्रोफेसर एफ एस निकोलसन थे इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को अमाउंट ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेंडिचर जो जिसका किसी को कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता है रेवेन्यू का, ठीक है, जैसे कि आपका कोई पोअर रिलीफ के लिए लग गया, साथ ही साथ जो डायरेक्ट लॉस होता है वॉर्स पे वो आ गया इसमें, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेंडिचर जिसमें डायरेक्ट तो नहीं लेकिन एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है क्योंकि ये मैन में इंसान में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको एक मतलब प्रोडक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और पार्शली बेनिफिशियल होता है रेवेन्यू के लिए। उसके बाद हमारा आता है पार्शल डायरेक्ट रिटर्न्स आते हैं जिसमें, ठीक है, वो वाला एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडाइज रेलवे सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गई जिसमें फीस आपको मतलब फी के ज़रिए आपको रिटर्न मतलब थोड़े बहुत रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। और फोर्थ हमारा है एक्सपेंडिचर विद फुल रिटर्न ऑन इवन प्रॉफिट, मतलब आपको प्रॉफिट भी होगा रिटर्न्स भी आएंगे, जैसे गैस सर्विसेज हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए, पर पब्लिक इंटरप्राइजेस हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के जो प्रोफेसर एडम स्मिथ थे जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया था, ठीक है, क्लासिफाई किया था। सबसे उन्होंने पहले दिया था प्रोटेक्शन फंक्शन। इस कैटेगरी में पब्लिक एक्सपेंडिचर वो आता है जो सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर यूज़ किया जाता है ताकि इनको जस्टिस दिया जा सके और कोई भी अगर एक्सटर्नल इन्वेंशन है इंटरनल डिसऑर्डर होता है तो उसको काउंट्रैक्ट किया जा सके, उससे निपटा जा सके, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस, कोर्ट्स वगैरह, इन पर जो एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड हमारा कमर्शियल फंक्शन आता है। इस ग्रुप में वो पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है जो ट्रेड और कॉमर्स की डेवलपमेंट पे लगाया जाता है, जैसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पब्लिक एंटरप्राइज, इनकी डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कमर्शियल फंक्शन में आ गया। एंड डेवलपमेंट फंक्शंस में आगे कि वो एक्सपेंडिचर जो कि सिटीजन और कंट्री के डेवलपमेंट पे लगाया जाता है, ठीक है, जैसे एजुकेशन पे लगाया जाएगा, पब्लिक रिक्रिएशन और वेल्थ पे लगाया जाएगा, तो वो हमारे डेवलपमेंट फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंट के बेसिस पे प्रोफेसर जॉन स्टॉट मिल ने एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो मतलब दो में क्लासिफाई किया था, यूजफुल एंड नेसेसरी ऑप्शनल, ठीक है। जो आइडिया है इस क्लासिफिकेशन के बीच में वो क्या है कि इम्पॉर्टेंस है जो कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होल्ड करता है, ठीक है, और जो यूटिलाइजेंस है उनकी वेलफेयर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो जी फिनलैंड शिरस थे उन्होंने ऑलमोस्ट सेम बेसिस पे मतलब बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, प्राइमरी एक्सपेंडिचर एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा है कि वो सारे एक्सपेंडिचर जो एक स्टेट को करने ही करने हैं, जैसे डिफेंस पे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो एक्सपेंडिचर होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, डेब्ट्स को पे करने के लिए जो ये सारे मतलब जो कंपल्सरी हैं कि एक स्टेट को करने ही करने हैं, ठीक है, वो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंडरी एक्सपेंडिचर आता है, इसमें हमारा जो प्राइमरी एक्सपेंडिचर जो बच गया वो सारा हम सेकेंडरी एक्सपेंडिचर में लाते हैं, ठीक है। सोशल एक्सपेंडिचर हो गया, एजुकेशन हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गई, पोअर रिलीफ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो गया, ये सारे। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नेसेसरी, यूजफुल एंड सुपरफ्लुअस, ठीक है। प्रोफेसर रोशर थे उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। सबसे पहले नेसेसरी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो स्टेट के लिए करना बहुत ज़रूरी है वो उसको करनी है, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकंड हमारे आते हैं यूज़फुल। अब
पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि डिज़ायरेबल है, मतलब करने हैं बट उनको पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है, वो आगे हमारे यूज़फुल। एंड सुपरफ्लस हो गए कि वो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर जो स्टेट को करने हैं या नहीं करने, उस पर डिपेंड करते हैं सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पे जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ ग्रांट एंड परचेज प्राइस, ठीक है। प्रोफेसर डाल्टन ने जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को मतलब क्लासीफाई किया, उन्होंने बेसिस ऑफ ग्रांट्स एंड पब्लिक परचेज प्राइस के बेसिस भी किया। जब स्टेट एक एक्सपेंडिचर करती है तो उसको कोई कमोडिटी या सर्विस इन रिटर्न में नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसको ग्रांट इन एक्सपेंडिचर, जैसे पोर रिलीफ पे हो गया, ओल्ड एज सोशल इंश्योरेंस देता है, वो आ गया, ठीक है। और दूसरी साइड जब स्टेट को ने कोई कमोडिटी लेनी होती है, सर्विस लेनी होती है, तो इन रिटर्न जो एक्सपेंडिचर होता है उसको परचेज प्राइस, जैसे सैलरीज देनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो आ गया। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव के बेसिस पे उनको क्लासिफाई प्रोफेसर रॉबिन्सन ने किया था, ठीक है। वो क्या हो गया, प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया वो एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करता है और साथ साथ नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है। और अनप्रोडक्टिव हो गया वो एक्सपेंडिचर जो कि जिससे कोई हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं होती है, उसमें कोई राइज नहीं आता है, जैसे वॉर एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी नेशन की, और जो एक्सपेंडिचर है वो सर्विसेज रेंडर करने में कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर वो हो गया, मतलब एक एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफरेबल तब कहेंगे जब वो पेमेंट ऑफ मनी की फॉर्म ले लेता है, आदर मतलब लोग ग्रेटिट्यूडली दे रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी राइट को परचेज करने के लिए दे रहे हैं। अब इसमें आता है जो भी गवर्नमेंट टैक्स पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, पेंशन होते हैं, सिकनिक बेनिफिट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सब्सिडीज होगी, ठीक है। और नॉन ट्रांसफरेबल पब्लिक इंटरेस्ट कौन से होंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को नॉन ट्रांसफरेबल तब कहेंगे जब उसको कोई भी परचेज करंट सर्विस जो भी रिसोर्सेज की नेशन होगी उसको परचेज करने में लगाएंगे हम, तब वो नॉन ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ज्यूडिशरी पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स, कांस्टेंट जो सेम रहे, वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो प्रोफेसर जे के मेहता थे उन्होंने दो ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर में। कांस्टेंट में हो गया वो अमाउंट जो सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर हो गया डिफेंस पे, ठीक है, वो एग्जांपल है एक कांस्टेंट एक्सपेंडिचर की। एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर वो हो गया जो कि मतलब जिस चीज़ पे वो हो रहा है, ठीक है, पब्लिक जैसे पब्लिक सर्विसेज के यूजेस में इंक्रीज आएगा तो एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज आएगा, एंड जो लोग उसको यूज़ करें उनको बेनिफिट होगा तो उस पर इनकर होगा, ठीक है। जैसे पोस्टल सर्विसेज है वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। फिर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम टू हेड्स में क्लासीफाई करते हैं, रेवन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो बजट है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं रेवेन्यू अकाउंट से अदर एक्सपेंडिचर से, ठीक है। इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बजट को रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिवाइड करती है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने अलग अलग क्लासेस पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्कस की, ठीक है, और हमने सारी क्लासिफिकेशन को ब्रीफली स्टडी भी किया। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई भी परफेक्ट है, लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ताकि एक परफेक्ट इसके बारे में हमें पता चले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक और जैसे हमने पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस किया था, ऐसे हम पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर का डिफरेंस करेंगे। उसके लिए अगेन हमें पहले सिमिलैरिटीज़ करनी पड़ेंगी दोनों के बीच, एंड देन हम डिससिमिलैरिटीज़ करेंगे, ठीक है। सो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर से कुछ हद मतलब कुछ हद तक सेम होता है, और कुछ रिस्पेक्ट्स में कुछ में वो डिसिमिलर होता है प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर से, ठीक है। अब सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है, जो बोथ मतलब इंडिविजुअल होती है स्टेट होती है वो कोशिश करती है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको अपने एक्सपेंडिचर से मिले, ठीक है। दोनों कोशिश करते हैं कि ग्रेटेस्ट रिजल्ट उनको मिनिमम कॉस्ट में मिले, और मतलब उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो
मिनिमम रिसोर्सेज लगा के, ये दोनों इंडिविजुअल प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों का यही होता है, वो यही ट्राई करते हैं। दूसरा हो गया कि जो इंडिविजुअल है और स्टेट है वो अपनी इनकम को अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ रीजन के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है इंडिविजुअल्स का वो उसकी इनकम का एक्सीड करता है, बट वो ट्राई करता है कि वो मतलब हार्डवर्क लगा के या अपने लेजर को सेक्रीफाई करके उसको ज़्यादा अर्न कर ले वो। और इस तरह जो गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत सारे टैक्सेस या अदर सोर्सेज होते हैं जो रेवेन्यू के, वो बढ़ा देती है जो भी लगता है जनरल पब्लिक पे, ताकि उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो उसके करंट टैक्स रेवेन्यू को एक्सीड अगर करता है तो वो ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करती है, ठीक है। आगे मेरी सिमिलरिटी, सेकंड हमारा आता है डिसिमिलरिटी, क्या पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में। सबसे पहले जो पर्पस होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना या कंट्री का वेलफेयर करना, लेकिन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है वो लिमिटेड होता है अपने तक के, अपना और अपनी फैमिली का वेलफेयर वो एम होता है, मोटिव होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर का। सेकेंड हमारा आता है कि जो इंडिविजुअल होता है हमेशा अटेम्प्ट करता है कि अपने एक्सपेंडिचर को अपने अकॉर्डिंग के अपने सॉरी अपने हाँ अपने एक्सपेंडिचर को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करे, जबकि जो गवर्नमेंट होती है वो पहले अपने टोटल एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट बनाती है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपने जो रेवेन्यू होता है वेरियस मीन्स के थ्रू वो रेज करती है, ठीक है। ये आ गया। फिर होता है जो प्लान्स होते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर के, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, और सिर्फ नियर फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, बट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सोसाइटी को देने के ऑब्जेक्ट से प्लान किए जाते हैं। फिर आता है हमारा जो बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर के, उनको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की होती है उनकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, बट जो बेनिफिट एक प्राइवेट फर्म होती है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के थ्रू हम वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट जो मेजरमेंट होती है बेनिफिट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पर होती है वो हम उनको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर आगे फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ये हम डिसिमिलैरिटीज़ कर रहे हैं, यू नो ना। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होती है वो प्राइवेट प्राइवेट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है स्क्वीज़ नहीं कर सकता है, एंड बाद में क्या होता है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ता है इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू विल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की मर्जी से। सो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइवेट प्रॉफिट से मोटिवेट होता है, जबकि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो कुछ रिस्पेक्ट्स में डिफर भी करता है एक दूसरे से, और कुछ में वो सेम भी है। सो ये आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब हमारे हैं कैनन्स एंड स्पेक्ट्स, पहले हम कैनन्स करेंगे। कैनन्स मीन प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो सोल गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के वो होते हैं मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट। ये किसने कहा था, प्रोफेसर पिगू ने, ठीक है। जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, तो उसको जो मनी स्पेंड करना होता है वो इस तरह से करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट कम्युनिटी को मिल सके, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल जब हम अडॉप्ट करते हैं किसी थ्योरी में तो जनरल रूल्स होते हैं जो कि एक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि वो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट कर सके। इन टूल्स को हम प्रिंसिपल्स या कैनन्स बोलते हैं ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्रोफेसर सिराज हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स या कैनन्स दिए थे पब्लिक एक्सपेंडिचर के। सबसे पहला हमारा आता है कैनन और प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसको इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो हमें दे और जो हमारी कम्युनिटी है उसका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पे हमने ये इनकर नहीं करना है, नहीं लग करना है एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से इनकर करे, इस तरह से करे जो ग्रेटेस्ट गुड है ग्रेटेस्ट नंबर का वो हो सके, प्रमोट हो सके। और ये जो कैनन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कहता है कि गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके उतना कि जो अपनी करंट इनइक्वालिटीज़ है उनको वो रिड्यूस करे पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। आगे फर्स्ट सेकंड हमारा आता है कैनन और प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमी। जो इकोनॉमी होती है उसका मतलब मिजलीनेस नहीं होता है, इसका मतलब होता है वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर जो कि अब हर लेवल पे अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी दो स्फीयर्स में होती है, दो
फेज की होनी है। फर्स्टली जो स्टेट होते हैं अपनी जो मनी है उसने स्पेंड करनी है जो नेसेसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होंगे, और दूसरा जो स्टेट है उसको जो अपनी प्रोडक्टिव पावर्स होती हैं कम्युनिटी के साथ उनको भी डेवलप करना है जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का। उसके बाद हमारा आता है कैनन और प्रिंसिपल ऑफ सैंक्शन, ठीक है। सो जो कैनन और प्रिंसिपल ऑफ सैंक्शन है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की कोई एक्सपेंडिचर करने से पहले जो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसको प्रॉपर सैंक्शन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे लेना होता है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है इस कानून का वो होता है कि मिस अप्रोप्रिएशन जो पब्लिक मनी की होती है उसके अगेन, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर यूज सिक्योर कर सके पब्लिक मनी का। लेकिन सिर्फ जो प्रायर सैंक्शन है वो ऑब्टेन करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, प्रॉपरली इसको इंस्पेक्ट और एग्जामिन करना भी ज़रूरी है कि जो सैंक्शन अमाउंट है मनी की वो जो सैंक्शन आइटम है मतलब जिस आइटम के लिए वो मनी दी गई थी उस पर वो प्रॉपरली लगी है स्पेंट हुई है या नहीं, ठीक है। हालांकि जो हायर अथॉरिटी का सैंक्शन होता है वो खुद में एक एंड नहीं होता है, बट एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल और कैनन ऑफ सरप्लस, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका एम क्या होना चाहिए, सरप्लस ऑफ इनकम, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट को उनको अवॉइड करना होता है। जैसे कि हर एक प्रूडेंट मैन होता है उसका टाइम मतलब कोशिश करता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको एडजस्ट करे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, एंड अगर पॉसिबल हो तो जो अपना एक्सपेंडिचर है वो हमेशा इनकम से कम हो। और साथ ही जो गवर्नमेंट होती है उसका अटैम्प्ट क्या होता है कि वो भी अपनी इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर सके, उसका मॉडरेट सरप्लस उसका एम रहता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है स्टेट की वो चेंज होनी चाहिए अगर पॉसिबल हो जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो नेसेसिटीज़ होती हैं कि जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज हैं वो इलास्टिक हों ना कि रिजिड हों अपने नेचर में, ठीक है। दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि जो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर में कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने का स्कोप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैनन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होती हैं जैसे कि उनको प्रोडक्शन को वो एनकरेज करें कंट्री में ऐसी वो होनी चाहिए। तो शॉर्ट में हम इस कैनन के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं जो मेजर पार्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट पर्पजेज़ के लिए एलोकेट स्पेंड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा कैनन और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो कैनन है या प्रिंसिपल जिसको हम बोलेंगे वो कहता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग कि इनकेस अगर कंट्रीज हैं फेडरल या डेमोक्रेटिक सेटअप है, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे होती हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स का अपना अपना सेपरेट बजट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपेंडिचर करती हैं, ठीक है। तो इनमें काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि कोई डुप्लीकेशन जो एक्सपेंडिचर की ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। हर पब्लिक एक्सपेंडिचर डिजायरेबल होना चाहिए जब वेस्टफुल ना हो, और एक पॉजिटिव इफेक्ट उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन पे होना चाहिए, और कंट्री एज अ होल का मैक्सिमम इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। अब क्या होता है जो फैक्ट होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का वो डिफरेंट हाइड्स के अंडर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंजप्शन आता है, लास्ट में मिसलिनियस इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट्स एनालाइज कर सकते हैं तो डाल्टन ने बहुत करेक्टली कहा कि जैसे कि टैक्सेशन होती है अदर थिंग्स इक्वल रहते हैं लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम से कम रिड्यूस होनी चाहिए, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे जितना ज़्यादा हो सके। उन्होंने फर्दर इसमें ऐड किया कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है किसी कंट्री में वो थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर, एबिलिटी टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, विलिंगनेस टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, एंड डाइवर्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें आता है एबिलिटी टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, ठीक है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर एक
पर्सन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, मतलब उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको इंक्रीज़ करता है, तो वो प्रोडक्शन और नेशनल इनकम को प्रमोट करेगा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, चीप हाउस फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, चीप बेसिक नेसेसिटीज जैसे पानी और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनको प्रोवाइड करने में रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, इससे क्या होगा कि इन जो एफिशिएंसी होगी पर्सन की वर्क करने की वो इंक्रीज़ होगी, और साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो प्रमोट कर सकता है सेविंग्स को। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप्स में उनको एडिशनल इनकम उनको प्रोवाइड करा के, ठीक है, और एक पर्सन जिसकी लार्ज इनकम है वो नॉर्मली मतलब एक लार्ज अमाउंट सेव करता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे क्या होता है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है इंक्रीजिंग वेजेस और सैलरीज पे लोगों के, जो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है वो चीप रेट्स पे होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है टाइल वेलफेयर सोसाइटी की वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एफिशिएंसी, और इसके वजह से क्या होगा, जो एबिलिटी टू वर्क होगी और सेव होगी वो भी बढ़ेगी। और फाइनली जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पर्टिकुलरली जो रीपेमेंट होती है पब्लिक डेब्ट्स की, जो पब्लिक ने लोन्स वगैरह लिए होते हैं उनमें एडिशनल फंड्स आ जाते हैं जिनकी वजह से डिस्पोजल होता है, जिनका हम सेव कर सकते थे। ठीक है, ये आ गया एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। सेकेंड हमारा आता है विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। अब एबिलिटी होगा कि हम काम करने की क्षमता है कि नहीं, अब विलिंगनेस होगी हम काम करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको भी लोगों की जो काम कर मतलब वो काम करना चाहते हैं नहीं, इस एस्पेक्ट को भी मतलब इफ़ेक्ट करता है। जैसे पब्लिक जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की, वो लोगों के जो डिसीजन होगा काम करने का उसको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो उनकी इनकम का पार्ट होगा वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा। अगर लोग एक्सपेक्ट नहीं, अपनी इनकम में राइज एक्सपेक्ट नहीं करते, उनको नहीं लगता है कि फ्यूचर में उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उनकी जो जो विलिंगनेस है काम करने का, जो मन है, वो ऑब्वियसली बात है वो अफेक्ट होगा, कम हो जाएगा, एक सडनली बाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर वो उनको है कि और वो उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने सोचा कि जो प्रेजेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो वो अर्न नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम से इन फ्यूचर, तो इस तरह के जो शार्प रिडक्शंस होती हैं इंटरेस्ट रेट और उनकी विलिंगनेस जो होती है सेव करने की और इन्वेस्ट करने की, वो भी एडवर्सली अफेक्ट होती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो फ्यूचर प्रॉफिट की, जो उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर से होने वाली हैं, वो एक इंसेंटिव हार्डवर्क के लिए उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो प्रेजेंट जनरेशन इंडिया में वो होती है कि वर्क हार्ड करती है ताकि इस एक्सपेक्टेशन से कि उनको लार्जर एमिनिटीज और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिलेगा, जो कि वो इन्जॉय कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लार्जर एक्सपेंडिचर जो स्टेट उन पर करेगी। ठीक है, सो ये आ गया हमारा विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो प्राइवेट से पब्लिक यूज़ में हम डाइवर्ट कर सकते हैं बहुत से वेज में। ठीक है, सो मेजर एरियाज जो हैं डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज की, वो सबसे पहले है डाइवर्शन ऑफ एरियाज टू अनप्रोडक्टिव एरियाज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डाइवर्शन होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो बहुत सारे अनप्रोडक्टिव एरियाज में हो सकता है, जैसे एक्सपेंडिचर आर्मामेंट्स, आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इस तरह जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको ऑफनली हम इकोनॉमिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे होता है, लेकिन हमारे ओपिनियन में वेस्टेज नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आर्मामेंट और आर्म्ड फोर्सेस पे एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो ह्यूज इकोनॉमिक लॉस है उसका डेंजर होगा, कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है वो कम होगा। फिर सेकेंड आता है हमारा डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए भी हम प्राइवेट से पब्लिक यूज़ में जो डाइवर्शन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा सके, जैसे रोड, रेलवेज, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हर टाइप की इकोनॉमीज में होता है, डेवलपिंग हुई है, इवन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी ये डाइवर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। अब डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एनकरेजमेंट रिसर्च और इन्वेंशन के लिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज पेंशन जो स्कीम्स वगैरह, इनको प्रमोट करने के लिए भी डाइवर्शन ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है डाइवर्शन ऑफ रिसोर्स फॉर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज
असेंशियल होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं राजस्थान, बिहार और ईस्टर्न यूपी हो गया, ये इनको मोस्ट अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड एरियाज कंट्री का माना जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्टिवली यूज़ होना चाहिए ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको कम किया जा सके थ्रू लेबर इंटेंसिव और सब्सिडाइज इंडस्ट्रीज, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करके, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्राइवेट से पब्लिक में जो एक्सपेंडिचर को डाइवर्स करना रिसोर्सेज को, वो भी मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी असेंशियल है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो हेल्प करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को उसके मेजर्स के थ्रू, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, पुशअप डिमांड पुशअप होगी, पर्टिकुलर शॉर्टेज जो बॉटल नेक्स होती हैं वो रिमूव होंगी, ठीक है। सो क्रिएशन और मेंटेनेंस होगी सोशल ओवरहेड्स की, जो कि ऑलराउंड रिडक्शन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और जो एफिशिएंसी होगी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट्स होते हैं। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करते, साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन है गवर्नमेंट के हैंड में, जिससे वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ और नेशनल इनकम की कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटेबल और जो एक हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वेल्थ की, उसको वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी क्या होगी, वो सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसी यूज़ नहीं करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ भी यूज़ कर सकती है, ताकि ग्रेट एक्सटेंट को इस ऑब्जेक्टिव को वो एक ग्रेट एक्सटेंट तक अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रोल है टैक्सेशन का और पब्लिक एक्सपेंडिचर का इनइक्वालिटीज़ को दूर करने में कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना चाहती है, कम करना चाहती है, जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन रिचर सेक्शन, जो अमीर सेक्शन है कम्युनिटी, उन पर लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि जो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी होती है, टैक्स देने की कैपेसिटी होती है, हम ऑब्वियसली बात है हाई होती है, उनके रिच होते हैं वो काफ़ी। सो इनकम जो उसके टैक्सेशन के थ्रू अर्न होती है वो अलग अलग टाइप की जो फैसिलिटी सब्सिडीज जो पोअर सेक्शन है कम्युनिटी की, उनको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया कि कंजप्शन पे क्या इफेक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर के, ठीक है। कंजप्शन को भी अफेक्ट करता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से, क्या होता है, जो कंजप्शन का साइज होता है वो इकोनॉमी में इंक्रीज होता है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इनकम को पुअर पीपल्स के फेवर में, और जो उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की वो हाई होगी, तो जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर को, वो एक रैपिड इंक्रीज लाएगा कंजप्शन ऑफ इकोनॉमी में। लास्ट माना आता है मिसलिनियस इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें सबसे पहले माना आता है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। एडमिटेड फैक्ट है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है एक पावरफुल टूल होता है, जिसे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में ला सकते हैं, एक एक्सलेंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट की वॉल्यूम है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने का। जो गवर्नमेंट होता है एक सब्सटेंशियल इंक्रीज को पब्लिक एक्सपेंडिचर में करना चाहिए डिप्रेशन के टाइम, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एक ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट की वॉल्यूम में, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक क्लोज रिलेशनशिप है पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक ग्रोथ में, एक राइजिंग प्रोपोर्शनल एडिशनल आउटपुट का जो होता है वो डेवलप करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, तो ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की वो उसको स्पीडअप किया जा सके। उसके बाद हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। सो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है वो डायरेक्टली हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, और इससे होता है जो लोगों की डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज के लिए वो बढ़ जाती है, तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इफेक्ट्स आ गए। अब हम करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स है। जो मॉडर्न स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होती है, और इसका एम क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर करना अपने सिटीजन्स का, ठीक है। हर एफर्ट ये करती है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है कॉमन पीपल का उसको इंक्रीज किया जा सके, और इस पर्पस के लिए बहुत से फंक्शन और सर्विसेज बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। जो इवन की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे एक सेटिस्फाई
इवन हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं वो जो बढ़ रही हैं, ठीक है, स्टेट इन्वेंशन इंक्रीज हो रहा है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू, ठीक है, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी वॉन्ट्स हैं जो कि फर्मली सेटिस्फाई इंडिविजुअली होती थी प्राइवेट मीन्स के थ्रू, अब कलेक्टिवली उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। सेकेंड हमारा आता है नीड फॉर डिफेंस। क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स की इन्वेंशन की वजह से हमेशा एक फॉरेन एग्रेशन का डेंजर बना रहता है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा एक कोल्ड वॉर फेस करते रहते हैं। इसकी वजह से होता है एवरी नेशन को मतलब खुद को प्रिपेयर रखना होता है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है तो वो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। उसमें हमारा वॉर मटेरियल पे जो एक्सपेंडिचर, फिर आर्म्ड फोर्सेज को मेंटेन और ग्रोथ करने में, फिर नेवल और एयर विंग्स पे जो डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री आर्ट प्रैक्टिसेस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, रिटायर्ड जो वॉर पर्सोनल्स होते हैं उनकी पेंशन, फिर वॉर लोन्स जो उन पर इंटरेस्ट जो हमने पास्ट या प्रेजेंट रिहैबिलिटेशन कॉस्ट ऑफ वॉर्स भी लिया था, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है वो 3,278 करोड़ था 1981 के बीच, और जो कि 15-16 में है 1,37,359 करोड़, ठीक है। सो इतना इंक्रीज हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर में हुआ है। सेकंड हमारा रोल ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। जो रिसेंट ग्रोथ है डेमोक्रेसी की, ठीक है, और सोशलिज्म की दुनिया में हर जगह, उसके वजह से क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट को होता है वो उसमें एक्सपेंसिव वो इनएविटेबली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो एक कॉस्टली अफेयर बन गया है। जो इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस पे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्रीज हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ गया है। हालांकि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनको अपने प्रोमिसज पूरे करने होते तो वो न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, और एटलीस्ट जो पब्लिक ऑपरेशंस को उनके फेवर में परस्यूड करते हैं, ठीक है। सो अब न्यू जो इंक्रीजिंग स्टेट एक्सपेंसेस हैं वो भी रिक्वायर मतलब उनकी भी ज़रूरत होती है ताकि जो न्यू एमिनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को दी जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके। इसे नेक्स्ट हमारा आता है अर्बनाइजेशन इफेक्ट। जो स्प्रेड है अर्बनाइजेशन का वही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से रिलेटिव ग्रोथ हो रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर की मॉडर्न टाइम में, ठीक है। अर्बन एरियाज़ की ग्रोथ की वजह से और एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो रही है एक्सपेंडिचर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे, रोड, स्कूल्स और कॉलेज के मेंटेनेंस पे, ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, पार्क, लाइज, प्ले ग्राउंड, इन सब भी का नंबर बढ़ रहा है और साथ ही इन पे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सेकंड हमारा आता है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट फैक्ट में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, गवर्नमेंट को बहुत सारा मतलब रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, स्कीम्स बहुत सी वहाँ पे चलानी पड़ती हैं जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए और बाकी जो सोशल मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन इफेक्ट आता है इंडिपेंडेंस के बाद। सिंस इंडिपेंडेंस जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन की वो कंट्री में बढ़ रही है, ठीक है। 17.3% थी 1951 में जो कि बढ़ के 31.2 हो गई थी जब 2011 सेंसस हुआ था। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितनी इंक्रीज हुई थी 31.2%, ठीक है। जो सेकुलर ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो नेचुरली मतलब पब्लिक एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करती है और साथ ही साथ जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो ज़्यादा एक्सटेंसिवली परफॉर्म किए जाते हैं। जो राइजिंग पॉपुलेशन है वो वेरियस प्रॉब्लम्स को पोजेस करती है पुअर कंट्रीज़ में और जो स्टेट है उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी है, जैसे प्रॉब्लम्स मतलब जो प्रॉब्लम जो फूड की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इसमें ऐड होगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हाउसिंग और सैनिटेशन की ये प्रॉब्लम्स भी जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रेड कॉमर्स में एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है ये, तो स्टेट को मतलब ज़रूरी है कि वो एक क्विक और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करे। अब ट्रांसपोर्ट है एक पब्लिक यूटिलिटी होती है तो स्टेट को उसको चीपली अवेलेबल कराना होता है। रेलवे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नेशनलाइज होते हैं, गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रन करनी होते हैं एक लॉस पे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक्सपेंडिचर हाई होता है उसकी मेंटेनेंस और एक्सपेंशन के लिए। फिर हमारा प्लानिंग इफेक्ट्स आते हैं।
एक जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है ताकि जो कंट्री है उसको डेवलप किया जा सके। और एक प्लान्ड इकोनॉमी में जब पब्लिक सेक्टर होता है उसका जो रोल है एक्सपेंडिंग हो रहा है, सो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग सोशल सिक्योरिटीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जो उन्होंने अपने वर्कर्स को और बाकी जो रेजिडेंट उनको सोशल सिक्योरिटीज जैसे सोशल इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड स्कीम हो गई, कंपनसेशन हो गई इंजरी वगैरह के लिए, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज या मैटरनिटी बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर दिए। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है। फिर आता है हमारा राइज इन प्राइस लेवल। अब प्राइस राइज की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को डीएनएस अलाउंसेज एम्प्लॉयज़ को देने पड़ते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उनको उनकी सैलरीज भी पीरियडिकली रिवाइज करनी पड़ती हैं। जो एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का गवर्नमेंट का वो भी बढ़ गया है, ठीक है। सिंस 1975 क्या होता था, प्राइस ऑफ पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हुआ तो वो 80% अपना फ्यूल है जो इम्पोर्ट करती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट कुछ ईयर्स से क्या है कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीजिंग जो एक्सपेंडिचर है वेरियस गवर्नमेंट्स का, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, ये हमने किया जो कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, तो उसके अकाउंट पे जो फिजिकल सिचुएशन है वो डिटेरियरेट हो रही है 1980 से, एंड क्राइसिस प्रोपोर्शन उसने एज्यूम कर लिया 1991-92 में कर लिया था, ठीक है। अब थ्रू 1980s के थ्रू आउट जो जितने भी इंडिकेटर्स थे फिजिकल इम्बैलेंस के उन्होंने क्लियरली रिफ्लेक्ट किया कि ये राइज होने वाला है। जो इंडिकेटर्स थे उन्होंने ऑफर कंसिडर किया कि जो फिजिकल इम्बैलेंस है वो है रेवेन्यू डेफिशिट और ग्रॉस फिजिकल डेफिशिट, ठीक है। जो रेवेन्यू डेफिशिट है उसका मतलब होता है कि जो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये जो मेजर फिजिकल इंबैलेंस का वो कंप्लीटली इफेक्ट नहीं करता स्ट्रक्चरल इंबैलेंस को जो भी फिजिकल ऑपरेशंस में होते हैं। फिजिकल डेफिशिट जो होता है वो टोटल रिसोर्स के आपको रिफ्लेक्ट करता है जो कि असेस जो एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड ग्रांट्स को इक्वल करता है, ठीक है। यार हमारा इंट्रोडक्शन, देन हमारा था पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो एक इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के लिए थी पीरियड सिंस 1991 में जिसको हम पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो थी फिजिकल डेफिशिट को कम करना है क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता था सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने थ्री आर्ग्यूमेंट पर रिलाई किया जिससे कि ग्रॉस फिजिकल डेफिशिट को कट डाउन किया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो थे कि जो कि हाई था 7.5% ऑफ GDP ड्यूरिंग 1985-90, ठीक है। इस पीरियड में क्या हो गया, जो रेवेन्यू डेफिशिएंट था एक लार्ज मतलब वो लार्ज था 2.37% ऑफ GDP का। फर्स्ट जो गवर्नमेंट ने एज्यूम किया एक फिजिकल डेफिशिएंट इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूड कि जो इन्फ्लेटनी या एक्सटर्नल डेफिशिएंट है उनका कॉज है, ठीक है। सेकंड उसने एजर्ट किया कि जो लार्ज फिजिकल डेफिशिट्स हैं वो मोर डिजायरेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करेगा बाय रिड्यूसिंग जो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करके और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बोरिंग पे उनको रेज करके, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहले रिडक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू GDP, ठीक है। उसमें क्या है कि एक इन्फ्लेमेटरी इकोनॉमी जो होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की एब्सोल्यूट टर्म्स में वो रिड्यूस नहीं की जा सकती, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है उसका जो एम मतलब उसका एम ये नहीं होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है उसको जनरल एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने की कोशिश करती है। अब एलोकेट जो इशू होता है एलोकेटिव और टेक्निकल एफिशिएंसी का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में वो स्कैंट अटेंशन रिसीव करता है, जबकि एक वर्चुअल नो अटेम्प्ट होता है एक्सट्रावेगेंस जो होती है मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स के पार्ट पे उसको कर्ब करने के लिए कम करने के लिए, ठीक है। जो टोटलिटी हम बात कर रहे हैं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है
पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो रैशनैलिटी और डायरेक्शन दोनों में ही उसमें कमी है। सो इसलिए जो रेशियो थी पब्लिक एक्सपेंडिचर की जीडीपी में वो थी 28.6% 2009-10 में, और ऑलमोस्ट सेम थी जो कि 1990-91 में थी। ठीक है, तो सेकेंड हमारा आता है रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और जीडीपी रेशियो। जो मेन प्रॉब्लम थी 1990s के एंड में वो थी कि जो पब्लिक रेवेन्यू, जो पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जीडीपी रेशियो थी वो स्टेग्नेंट हुई थी अराउंड 13%, और एक स्टीप रिडक्शन हुई थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जीडीपी रेशियो में। तो क्या हुआ कि एक स्टडी इंक्रीज हुआ जो और स्टूड हुआ 12.3% पे 1990-2000 में, एंड देयरफॉर एज फार एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं जो जीडीपी रेशियो थी कंसर्न थी 1990s के एंड में जो गवर्नमेंट थी वो एग्जैक्टली वहीं पे थी जहां वो 1990 से 1991 तक थी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यूज़ सारी नहीं याद रहती तो आप बीच में से कुछ वैल्यूज़ लिख लीजिए, सारी लिखना ज़रूरी नहीं है। सो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़ आता है, डायरेक्ट सब्सिडीज़ फूड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पे, जिनका अकाउंट 2.2% था जीडीपी में 1991 में, वो डिक्लाइन होकर 3.1% हो गया 1996-97 में। ठीक है, और लास्ट 5 ईयर्स जो डिकेड्स थे उनमें वो फ्लक्चुएट होता रहा। सब्सिडीज़ थे उनका अकाउंट था 1.4% जीडीपी का 2007-08 में, एंड 1.7% जीडीपी का 16-17 में। जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज थी वो 1992 से एलिमिनेट होगी। जो गवर्नमेंट का एम था फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज को रिड्यूस करना था, फूड सब्सिडीज मतलब प्राइस जो फूड ग्रेन के प्राइजेस को इंक्रीज करके कट कर दी। ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू इशू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिविल इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है जो सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एंड रिजल्ट है पास्ट बोरोइंग्स का, जो मतलब आपने इन पास्ट कोई भी अगर आपने लोन वगैरह या डेप्ट लिया है उसका। ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक डेप्ट का एक पार्ट रिड्यूस होता है। रिड्यूस करने की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की इस फ्रंट में वो डिसमल होती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी में इंक्रीज हुआ था, राइज हुआ था ऑन एवरेज 3.2% ड्यूरिंग 1985-90 एंड 4.1% ड्यूरिंग 1990-95, और उस मतलब बढ़ गया वो 4.7% 2000 और 2001 में, एंड 2016-17 में वो 3.2% था जीडीपी का। जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको हम एस्टिमेट करते हैं दैट 44.4% जो टैक्स रिसिप्ट 2016-17 में उसने एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं पब्लिक रेवेन्यू पे। रेवेन्यू सिंपली हम बोलते हैं इनकम को। ठीक है, तो जो इनकम गवर्नमेंट की हर सोर्सेज से उसको हम पब्लिक इनकम या पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। अब डाल्टन ने कहा कि हाँ, इनकी जो टर्म है पब्लिक इनकम उसको हम टू सेंस में, वाइड और नैरो में हम देखते हैं। वाइडर सेंस में हम इसमें सारी इनकम और रिसिप्ट जो भी पब्लिक अथॉरिटी को मिलती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसको हम पब्लिक इनकम बोलते हैं, और नैरो सेंस में बात करें तो इसमें सिर्फ वो सोर्सेज ऑफ इनकम आते हैं पब्लिक अथॉरिटी के जो कि जिनको हम रेवेन्यू रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जो फॉर्मर थे उन्होंने पब्लिक रिसिप्ट और बाद में पब्लिक रेवेन्यू को उन्होंने अवॉइड किया। ठीक है, ताकि इसमें कोई वो कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, हालांकि जो रिसिप्ट थी पब्लिक बोरिंग से या पब्लिक डेप्ट से, और जो सेल्स थी पब्लिक एसेट्स की, वो मेनली एक्सक्लूड किए गए पब्लिक रेवेन्यू से। ठीक है, अब आगे हमारे सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, अब मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में जो पब्लिक रेवेन्यू होता है वो दो टाइप का होता है, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं पब्लिक रेवेन्यू के जो कि आपको नेक्स्ट आगे चार्ट दिया हुआ वहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू, एक फंड जो हम वेरियस टैक्सेस के थ्रू रेज करते हैं हम उसको टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। टैक्स रेवेन्यू जो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है सिटीजन्स पे अपने जो जनरल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और कॉमन गुड्स पे बिना किसी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट बेनिफिट का जो टैक्स पेयर को नहीं होता है कोई डायरेक्ट बेनिफिट, तो ये इम्पोज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कहा जो असेंस है एक टैक्स का वो है एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इज द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड द पब्लिक अथॉरिटी। गवर्नमेंट
मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चार्ज करती है अपने जो उसके जनरल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और टैक्स पेयर को इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। स्लेगमैन था जो उसने कहा, टैक्स को डिफाइन किया कि एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन एक पर्सन से गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो है मीट करने के लिए, ठीक है, जो और साथ में जो मतलब कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल में इनकर हो बिना किसी स्पेशल बेनिफिट के रेफरेंस के, ठीक है। अब जैसे आपको चार्ट दिया गया है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सबसे पहले हमारे टैक्सेस आते हैं, फी आ जाती है, फाइन एंड पेनल्टीज आ जाती हैं, स्पेशल असेसमेंट आ जाती है, प्राइस गिफ्ट जिसमें हमारी डोनेशंस आती हैं, एंड लास्ट में आता है ग्रांट एंड एड्स, ठीक है। फिर हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज़ हो गए जो टैक्सेस के थ्रू हमें मिलते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ वो पब्लिक इनकम जो एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल इंटरप्राइज, गिफ्ट और ग्रांट के थ्रू जो सोर्सेज होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू आ जाता है, जो स्टेट इंटरप्राइज से प्रॉफिट होता है वो आ जाता है, एंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंडर, ठीक है, इसमें अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होते हैं वो कुछ फंड्स रेज करती हैं फी, फाइन और पेनल्टीज और स्पेशल असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। अब जैसे फी हो गए, गवर्नमेंट चार्ज करती है या पब्लिक अथॉरिटीज चार्ज करती हैं कोई भी सर्विस जो बेनिफिशरीज को देने के लिए, ठीक है। अब जैसे स्लेगमैन ने कहा था कि एक फी जो होती है, एक पेमेंट होती है टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ ईच इनकरिंग सर्विस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट प्राइमरी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट कन्फर्मिंग ए मेजरेबल एडवांटेज टू द पेयर, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि एक फ़ी होती है, पेमेंट होती है जो कि आपको सर्विसेज दी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बदले में आप वो देते हो और मतलब जो पेयर होता है उसी को उसका एडवांटेज मिलता है। अब जैसे कोर्ट फीस हो गई, पासपोर्ट फ़ी हो गई, ठीक है, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लाइसेंस फ़ी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइन एंड पेनल्टीज़। हमारा आता है फाइन एंड पेनल्टीज होते हैं मतलब लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट करती है गवर्नमेंट एज अ पनिशमेंट, ठीक है। आप कोई लॉ है उसको ब्रेक करते हो तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट के तौर पे फाइन एंड पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इनका वो क्या होता है, कोई इनकम अर्न करना नहीं होता है, बल्कि आप लॉ ब्रेक ना करो कंट्री के, उनको प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है। जो फाइनल पेनल्टीज होती हैं आर्बिट्रेरी डिटरमाइन होती है, उनका कोई रिलेशन नहीं होता है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के साथ। तो जो कलेक्शन होती है इस तरह की जो पेनल्टीज आपको लगाई जाती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। फिर मतलब पब्लिक स्पेशल असेसमेंट में, एक स्पेशल असेसमेंट में जैसे स्लिगमैन ने पॉइंट आउट किया था, एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो कि एक सोशल बेनिफिट के प्रोपोर्शन पर लगाई जाती है ताकि उनसे हम कॉस्ट डिफ्री कर सकें और या फिर एक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई है, ठीक है। अब जैसे हमारे आगे पब्लिक इम्प्रूवमेंट में हमारे कंस्ट्रक्शन रोड्स आ गए, ड्रेनेज का जो प्रोविजन होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे आते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जो ये स्पेशल असेसमेंट्स होती हैं उनमें बेटरमेंट लेवी बोलते हैं, बेटरमेंट लेवी उन लैंड पर लगाया जाता है जबकि उसकी वैल्यू है वो किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट ऑफ स्टेट इंटरप्राइज। जो प्रॉफिट ऑफ स्टेट है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेलवे चलाती है, जो सरप्लस होता है रेलवे अर्निंग से वो रेवेन्यू बजट होता है जो सेंट्रल बजट का, उसमें नॉन लिमिटली वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर जो अर्निंग होती है स्टेट एंटरप्राइज से वो प्राइजेस जो वो अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए चार्ज करता है उस पर डिपेंड करती है, और फिर जो उनसे सरप्लस ड्राइव होता है वो, ठीक है। जो प्राइस पॉलिसी होती है स्टेट की वो सेल्फ सपोर्टिंग और रीजनेबली प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। अगेन जो प्राइजेस होते हैं एक एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्वो से वो चार्ज होते हैं, जिसका मतलब होता है डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू बेनिफिट्स कन्फर्ड बाय द सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। फिर हमारे आते हैं गिफ्ट एंड ग्रांट्स, लास्ट वन, ठीक है। जो ये फॉर्म्स होती हैं बहुत स्मॉल पार्ट होती हैं पब्लिक रेवेन्यू का, क्वाइट ऑफन जो पैट्रियोटिक पीपल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो स्टेट को जो होती है उसको गिफ्ट देते हैं, ठीक है। प्योरली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अपनी मर्जी से देते हैं, कुछ और गिफ्ट का कुछ सिग्निफिकेंस होता है स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम या कोई इमरजेंसी चल रही है उस टाइम। अब मॉडर्न टाइम में होता है कि जो ग्रांट्स होते हैं एक गवर्नमेंट दूसरी को देती है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट रिसीव करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ग्रांट इन नीड्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि अपने फंक्शंस को वो कैरी आउट कर सके, और जब ग्रांट्स दी जाती हैं एक कंट्री
गवर्नमेंट से दूसरी कंट्री गवर्नमेंट को, तो उनको फॉरेन एड्स हम बोलते हैं। यूजुअली जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको इस तरह की एड्स मिलती हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, जो कि मिलिट्री एड्स, इकोनॉमिक एड या फूड एड, टेक्नोलॉजिकल एड की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स। क्या है टैक्स? एक कंपल्सरी पेमेंट है। ठीक है, एक पर्सन पे करता है जिस पे वो लगाया जाता है, और एक पर्सन है आर्ग्यू नहीं कर सकता है कि वो एक डायरेक्ट बेनिफिट उसको नहीं हो रहा है तो वो पे करे या नहीं, मतलब वो कंपल्सरी है, वो उसको पे करना ही करना है। ठीक है, और जो टैक्स होता है उससे जो मनी आता है वो जनरल वेलफेयर पे हम स्पेंड करते हैं जब वो कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि एक म्यूनिसिपल कमेटी होती है। ठीक है, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पे वो जब कलेक्शन हो जाता है हाउस और प्रॉपर्टी टैक्सेस का, तो फिर वो इन कामों पे उसको लगाती है। अब जैसे डेफिनेशन है, बेस्ट टेबल ने दिए, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक पावर्स। लाइक मैंने कहा, टैक्स एक कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्म। तो आप कोई भी, एंड डेल्टा ने दिया, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज बाय पब्लिक अथॉरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू द टैक्स पेयर इन रिटर्न। तो आप कोई भी दो डेफिनेशन जो आपको इजी लगती हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेज, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेज में इनको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इनको डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स जिसका बर्डन है, वो जिस पर्सन पे टैक्स लगाया गया है वो खुद बेयर कर रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। वो जो बर्डन है वो दूसरे बंदे पे वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, उसका जो बर्डन है वो उसी पर्सन पे गिरता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अब डेल्टन था, उसने कहा डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड। ऐसे जे एस मिल ने कहा, ए डायरेक्ट टैक्स इज वन विच इज डिमांडेड फ्रॉम द पर्सन हु अटेंडेड और डिसाइड शुड पे। ठीक है, उसके बाद और भी डेफिनेशन दिए हैं, अगर आपको और कोई करनी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है। जो मीनिंग है इनडायरेक्ट टैक्स का, एक इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो एक इंडिविजुअल पे करता है लेकिन जो उसका बर्डन है वो खुद मतलब वो दूसरे बंदे पे होता है, उस पर नहीं होता है। ठीक है, एक पर्सन जो पे मतलब टैक्स पे करता है वो फर्स्ट इंस्टेंस ट्रांसफ़र होता है, मतलब अपने बर्डन है जो दूसरों के कंधे पे ट्रांसफ़र कर लेता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है शुगर पे। ठीक है, प्रोड्यूसर उसको पे करता है बट अल्टीमेटली वो ट्रांसफ़र किसको हो जाता है, परचेजर को, हाई प्राइस जो मतलब अब जितने अब जो प्रोड्यूस करता है उसको कम पैसे लगते हैं बट जो उसको खरीद रहा है ठीक है उसको हायर प्राइस पे मिलेगा, तो जो टैक्स है का जो बर्डन है वो परचेजर पे आ जाता है। ठीक है, जैसे हार्टले ने बोला कि जो टैक्स विच आर शिफ्टेड क्विकली थ्रू कमर्शियल कॉम्पिटिशन बिटवीन कंज्यूमर्स आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट में आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेस। जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है वो एक ऐसा टैक्स होता है जहाँ पे एक लो टैक्स रेट या लो इनकम अर्नर लगाया जाता है, एक लो इनकम अर्नर पे एक लो टैक्स रेट लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करें हाई इनकम वाले के साथ, तो इस टाइप का जो टैक्स होता है वो एबिलिटी टू पे, जो टैक्स पेयर है उसकी एबिलिटी टू पे है कितनी है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आगे प्रोग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स जो जिसमें जो रेट है टैक्स का वो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है, उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है जो लार्जर इनकम होती है टैक्स पेयर की और स्मॉलर प्रोपोर्शन वो जो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिर आगे जो शेड्यूल होता है रिग्रेसिव टैक्स रेट का वो होता है कि जिसमें जो रेट ऑफ टैक्सेशन होता है वो डिक्रीज होता है एज बेस इंक्रीजेस। ठीक है, फिर आगे हमारा डिग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स जो रेट है जिसका वो हर बार जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, सॉरी ये प्रोग्रेसिव टैक्स में हो गया, सॉरी डिग्रेसिव टैक्स होता है वो टैक्स जिसमें जो कि प्रोग्रेसिव है एक सर्टेन लिमिट तक, आफ्टर दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक फ्लैट रेट पे आपको चार्ज किया जाता है। एंड लास्ट उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफाइड एड वोरम ड्यूटीज़। तो इसमें क्या होता है, जब एक टैक्स हम एक कम्युनिटी पे उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके साइज या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। जैसे कि जब हम एक्साइज ड्यूटी शुगर पे लगाते हैं तो उसके वेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्लोथ पे लगाते हैं तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ईजी होता है लगाना और मोर कन्वीनियंट होता है कलेक्ट करना, क्योंकि वेट या साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे जो
एड वैलोरम टैक्स होता है वो असेस्ड वैल्यू होती है किसी आइटम की, जैसे कोई रियल इस्टेट या पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे लगाते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ जो गुड्स पे लगती है अब्रॉड से, उस पर भी हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल एंड मल्टीपल टैक्स। सिंगल टैक्स का मतलब होता है सिर्फ एक काइंड का टैक्स, एक टैक्स जो एक चीज़ पे लगता है या एक क्लास ऑफ चीज़ पे लगता है, क्लास ऑफ पीपल्स पे लगता है। इस केस में जो होता है कि सिर्फ एक टैक्स ही होता है जो कि सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। इस तरह का जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं होता है, बट रेगुलरली हर मंथ हर एक इंटरवल या किसी शॉर्टर ड्यूरेशन पे वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर आगे मल्टीपल टैक्स। मल्टीपल टैक्स सिस्टम हो गया कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होंगे ताकि हर मतलब हर इंसान है वो कंट्रीब्यूट कर सके स्टेट रेवेन्यू की तरफ। तो एक मल्टीपल टैक्स सिस्टम जनरली प्रेफर किया जाता है एक सिंगल टैक्स सिस्टम से। ठीक है, हावर जो ज़्यादा ग्रेट एक जो मल्टीसिपैलिटी होती है वो अनडिज़ायरेबल होती है क्योंकि उसमें एक लार्ज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी जे के एस एस बी से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर अपलोड हुई हैं, आपने अगर आपने फॉर्म भरा है तो ऐसे भी अगर आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। सो नहीं देखें तो देखिए जाके, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, GK करंट अफेयर्स रेगुलर SA चैनल का नाम है। आप जाके उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच गाइज।